अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नारजी आरती। अच्छा रोहित सुनो, तुम तैयार हो जाओ जल्दी से, ठीक है? समर तुम्हें घर छोड़ देगा। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन तुम्हें लेने मैं खुद आऊंगा। जी। ये रूही सुबह सुबह कहाँ जा रही है? दादी, रूही अपने मायके जा रही है। ऐसे कैसे बिना पूछे मायके जा सकती है? सोनी के मायके जाते ही इसे भी अपने मायके की याद आ गई क्या? अरे ना कोई तीज त्योहार है, ना हाली बीमारी, ऐसे ही मुंह उठा के चल देगी मायके? अग्नि का भी तो ध्यान रखना है, घर में इतना सारा काम है, इतना सब कुछ अग्नि कैसे करेगी? कोई जरूरत नहीं है जाने की, चुपचाप रसोई में जाके अपना काम करो। दादी जी, मैंने सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी बना दिया है। हाँ तो बाकी और भी तो काम है ना। अरे खड़ी क्या हो, जाओ जाकर काम करो। जी। रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगी। दादी, एक लड़की को मायके जाने के लिए किसी बहाने की जरूरत है क्या? क्या कोई तीज त्योहार या किसी को बीमार पड़ने की जरूरत है? क्या अपनों से मिलना या फिर उनके साथ कुछ पल बिताना काफी नहीं है? ये वजह काफी नहीं है दादी? और अगर मायके वालों को अपनी बेटी की याद आ रही है तो क्या उसे बुला नहीं सकते हैं? उनका इतना भी हक नहीं है दादी? क्या एक लड़की अपने परिवार वालों से सिर्फ इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि वो उनसे मिलना चाहती है? बस साहब, तुम्हें इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। सोनी के जाने की वजह से दो चार काम क्या बढ़ गए? तो इसे अपने मायके जाने के लिए तो मैं बोल दिया ताकि ये काम करने से बच सके, है ना? सॉरी दादी, लेकिन रूही अपने हिस्से का काम कर चुकी है और बाकी कामों के लिए घर में और भी नौकर चाकर हैं, इसलिए रूही अपने मायके जरूर जाएगी। नहार सही कह रहा है। रतन, तुम तो अंधे हो गए हो। प्लीज, रूही ने नहार को अपने पल्लू से बांध रखा है। तुम्हें दिख नहीं रहा है लेकिन मुझे सब दिख रहा है। अरे मुझे क्या, तुम्हें जो करना है करो। शुक्र है दादी यहाँ से चली गई, वरना अभी मेरा सारा प्लान चौपट कर देती। अच्छा समर सुनो, तुम रूही को उसके मायके छोड़ देना। थक तेरे की, चलो अब भाभी को छोड़कर कपड़े बदल के मैं बावर्ची बनकर आ जाऊंगा। समर। जी भैया, मैं छोड़ दूंगा। और रूही तुम 6 बजे तक रेडी रहना, मैं खुद लेने आऊंगा। मैं चलता हूँ पापा के। समझ नहीं आ रहा है, कैसे मैं नहार को रूही की जिंदगी से बाहर करूं? इंटरनेट पे भी कोई तरीका नहीं मिल रहा है। नहीं, कुछ तो करना होगा। मिल गया तरीका। अब अगले 8 घंटे बाद ऐसा धमाका होगा जिसमें रूही विस्वाह हो जाएगी। अब बैठ। वैसे जीजू कहाँ रह गए, वो नहीं है तेरे साथ? जूही, मैं जीजू को साथ तो लाई हूँ लेकिन तेरे जीजू को नहीं, अपने जीजू को साथ लाई हूँ। समर बेटा। दादाजी। खुश रहो बेटा, कैसे हो? बहुत अच्छा दादी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। अरे पिंकू कैसे? बढ़िया, आप कैसे हो? नमस्ते नमस्ते। अरे आओ बैठो। जी नहीं नहीं दादू, थैंक यू, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। हाँ तो जाइए। वैसे दादी, जूही भी आ गई है, ये आपका बावर्ची कहाँ है? तो दो बजे जाएंगे तब तो आएंगे ना। क्या
घड़ी देख रही हो कितना बच रहा है? आधा घंटा है पूरा। तो दामाद जी तब तक रुकेंगे क्या? खड़े रहेंगे? बैठना तो मांग नहीं रहे, बैठेंगे क्या? इंतजार करेंगे बाबूजी? आप जाइए दामाद जी। जी जी दादी, मैं चलता हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर आइएगा। हाँ और बेटा, कैसी हो तुम? हाँ, तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया था बेटा? दादू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक काम करता हूँ, गाड़ी में ही चेंज कर लेता हूँ और गाड़ी गाड़ी कहीं दूर पार्क कर देता हूँ। यही सही जगह लग रही है। एक मिनट रुक जी। मैडम, ये लो तुम्हारे अगले 4 महीने की सैलरी, और अब निकल जाओ यहां से, दोबारा दिखना मत। यह है जनता मॉल, जहाँ पथरीली जमीन है। इन पत्थरों को लैंडमाइन से तोड़कर यहाँ एक नया अस्पताल बनाया जाएगा। इसको ठीक 15 अगस्त के बाद ब्लास्ट कर दिया जाएगा। ये देखिए, यहाँ पहले ही लैंडमाइन बिछा दिए गए हैं। ओ, तो ये है लैंडमाइन के स्पॉट। इन लैंडमाइंस के ऊपर आ गए तो उसके परकच्चे उड़ जाएंगे, इसलिए सबसे अनुरोध है कि इस जगह के आसपास बिल्कुल भी ना आए। वैसे तो सब जगह चेतावनी लिखी हुई है, लेकिन फिर भी आप सतर्क रहें। शाम के 7 बजे इसे ब्लास्ट कर दिया जाएगा। खास तरह के परकच्चे उड़ जाएंगे। अब लग रहा है ना, बिल्कुल रोमांटिक डेस्टिनेशन। जहाँ होगा रूही मैडम का अंतिम संस्कार। दादी? हेलो हेलो अगदी, अरे कहाँ हो तुम? रूही की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर तुम्हें दहार के करीब आना था ना, और तुम हो कि खुद ही गायब हो। आप चिंता मत करिए, मैं नहार के करीब आके रहूंगी। मैं अभी आती हूँ। कल तो बड़ा झुक झुक के खम्मा घड़ी बोले जा रहे थे, आज क्या हुआ? सारे संस्कार उड़ गए तुम्हारे? ये मेरी बहन है, चलो खम्मा घड़ी बोलो सर। खम्मा घड़ी मेम साहब। घड़ी खम्मा। वैसे आपकी आवाज और आपकी आंखें कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ये इतने बड़े मशहूर बावर्ची हैं, पता है? हर टाइम में, हर अखबार में इनकी तस्वीरें छपती रहती हैं, तो किसी किसी एक अखबार में देख लिया होगा, इसीलिए पहचान में आ रहे होंगे, है ना? जाओ जल्दी से खाने की तैयारी करो, देर हो रही है। हाँ नहार जी। हे भगवान, रोही यहाँ भी गई? नहार जी, नहार
फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। नहार जी ने मुझे सरप्राइज देने के लिए तो ये फूल नहीं बिछाया ना, लेकिन नहार जी कहाँ है? नहार जी, नहार जी, नहार जी, ये आवाज कैसी है? अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।